नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में भारत स्काउट गाइड की स्थापना दिवस के अवसर पर भारत स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर सीमा जौनसारी के नेतृत्व में भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्टिकर लगाया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपना अंशदान देते हुए कहा कि अनुशासन, सेवा भाव और परोपकार को बढ़ावा देने में भारत स्काउट गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छात्रों को स्काउट गाइड से जोड़ने जाने की अपेक्षा करते हुए कहा कि इससे छात्रों में सेवा भाव और अनुशासन की भावना जागृत होगी। तो तस्वीरें देख सकते हैं, प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को भेंट किया शिष्टाचार और ऐसे में भारत स्काउट गाइड का स्थापना दिवस मनाया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर उपस्थित रहे। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की दिल्ली में बैठक हुई। दो साल बाद हुई इस बैठक में सभी प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड से भी 13 नेता शामिल हुए। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सांसद अजय टम्टा उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे। तो आपको बता दें, आज बीजेपी के दिल्ली में बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें तमाम राज्यों के नेता मौजूद रहे। कुछ बड़े नेता दिल्ली में ही इस बैठक में मौजूद हुए और जो नेता दिल्ली में नहीं मौजूद हुए वो वर्चुअली तौर पर इस बैठक से जुड़े। तो ऐसे में उत्तराखंड से भी 13 नेता इस बैठक में वर्चुअली जुड़े थे जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि आज से लगभग 3-4 दिन पहले हम लोग दिल्ली में बैठे थे और दिल्ली में बैठकर हमने कई घंटे तक गृह मंत्री जी के साथ वार्ता चर्चा करके अपने पूरे राज्य की चुनावी रणनीति हमने समीक्षा करते हुए और आगे तय किए थे। नहीं, हमारा इसके पीछे उद्देश्य यह है कि पूरा उत्तराखंड इसमें सम्मिलित हो और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य बना था और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों को, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा केदारनाथ में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास हुए, हमको ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से तेज़ी से काम कर रही हैं, रेल योजनाएँ, हमारी हवाई कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में, और अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने एक विजन उत्तराखंड के लिए दिया है कि ये जो हमारी तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और हम भी 2025 में जब इसकी सिल्वर जुबली मना रहे होंगे तो सिल्वर जुबली के मनाने के अवसर पर हम निश्चित रूप से एक युवा उत्तराखंड और पूरे देश का आदर्श उत्तराखंड बने, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भेल क्षेत्र में आयोजित छठ पूजा महापर्व के अवसर पर बधाई देने के लिए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां उन्होंने छठ पूजा पर्व के लिए सभी को बधाई दी और कामना की कि छठ मैया सब पर कृपा करें और सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में छठ पूजा पर्व को मनाने वाले स्थानीय नागरिक भी वहां पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें देख सकते हैं भाद्राबाद की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत छठ पूजा के कार्यक्रम में पहुंचे और ऐसे में उनके पहुंचने पर वहां पर उनका भव्य स्वागत तो किया ही गया, साथ ही उन्होंने सभी को छठ पूजा की बधाई भी दी। महंगाई को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड और केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर हो चुकी है। इसी कड़ी में दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल के विरोध में राज्य के अलग अलग जिलों नगर के मस्तान पेट्रोल पंप के आगे प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस्तीफे की मांग भी की, साथ ही उन्होंने डीजल पेट्रोल और गैस और खाद्य पदार्थों के दाम कम करने की मांग भी की। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज बता दें दिन भर
छह अलग अलग जगहों पर बढ़ते महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर प्रदर्शन किया गया। देहरादून में भी ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। वहीं लालकुआ, चमोली, उद्धम सिंह नगर, पौड़ी और सितारगंज सभी जगह पर कहीं पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया गया तो कहीं सड़कों पर ट्रैक्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद दिखे। ऐसे में आपको बता दें, पूरी तरह से कांग्रेस बीजेपी सरकार को बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर घेर रही है और ऐसे पर अब सड़कों पर कांग्रेस उतर आई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर कहीं ट्रैक्टर पर चढ़कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन किया तो कहीं हाथों में सिलेंडर लिए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए, वहीं नारेबाजी करते हुए नजर आए, बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही केंद्र सरकार से इस्तीफे की मांग भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। जिस प्रकार से त्रस्त है, आहत है, ये आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को ऊपर उठाए, सरकार तक उन मुद्दों को लाए। और उसी के क्रम में हमें बड़ी ही मायूसी इस बात से हुई कि लगातार 120 दिनों तक 30 और 35 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से तेल के दाम बढ़ाते 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 100 के पार चले गए और तब उसमें मामूली राहत देकर सरकार जो ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये जनता के हित की सरकार है, ये आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। आज गैस का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, सब्जियों में आग लगी हुई है, आम लोग जिए तो जिए कैसे। ये हमारे देश में इस समय जो आम जनता की त्राही त्राही मचा रखी है, पहले यही भाजपा थी जो कांग्रेस के 2 रुपए रेट बढ़ने पर पूरा झंडा बंडा लेके रोड में उतर जा के तमाशा करते थे और आज इसी भाजपा सरकार ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। पूरे देश की जनता एक एक आंसू रो रही है और वो जो आंसू लगेंगे, ये जो तड़ीपार लोग आज देश में शासन कर रहे हैं, मुझे कहना है कि इनको तड़ीपार देश से भी करना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और संयुक्त नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया पेट्रोल पंप में। जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल के दाम घटाए हैं, लेकिन 4 रुपये में कुछ नहीं होता है। हम कहना चाहते हैं कि आप पेट्रोल डीजल और खाने का तेल और रसोई गैस के दाम कम करिए, जिससे कि आपने 2014 में जो वादा किया था लोगों से कि हम महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, तो वो पूरा है। आज मोदी जी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आपके दोनों वादे अधूरे थे, ना आपने महंगाई को कम किया और ना आपने युवाओं को रोज़गार दिया। आज पूरे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो ये डीजल के, पेट्रोल के और गैस के, रसोई तेल के जो दाम बढ़े हुए हैं, उन दामों को लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी का माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर आज हम लोगों ने यहाँ पर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय गणेश गोदियाल जी, उनके आह्वान पर हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का। इसमें हमारे किसान कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं, मेन कांग्रेस के लोग जुड़े हुए हैं और इसका एक ही मुद्दा है हमारे पास कि जो महंगाई आसमान छू रही है, जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल जो है, जो कच्चा तेल है, वो बहुत सस्ता है। आज प्रदेश कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के द्वारा आदेशित जो किया गया था कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको कम करने की मांग को लेकर जो है आज यहां पर जो है पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया गया है। और हमारी सरकार से मांग है, हमारा ये विरोध है कि सरकार जो है दिनों दिन जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है, उनको कम किया जाए और गैस सिलेंडर, जिससे कि एक आर्थिक बोझ महिलाओं पर बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, घर गृहस्थी सब लोगों के बहुत ही ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है, तो उसको अगर इसके दाम ये कम करेंगे तो निश्चित ही जो है ये प्रदेश एक खुशहाली की ओर जाएगा। देवभूमि में कुछ सालों पहले परिवारों से मिलने के लिए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह कौथिक और मेलों का आयोजन होता था, जो पहाड़ों से पलायन के चलते धूमिल से होने लगे हैं। परिवारों के बीच मेल झोल बढ़ाने और आपसी सौहार्द बनाने के लिए रिखणी खाल के प्रवासियों की तरफ से कोटद्वार के एक निजी वेडिंग पॉइंट में दीपावली परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रिखणीखाल ब्लॉक के प्रवासियों ने शिरकत की और इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए अपने सुझाव भी रखे।
तो आपको बता दें, देवभूमि की संस्कृति बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। दीपावली परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में कोटद्वार में इस मेले का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन किया गया तो लोग वहां पर उपस्थित रहे। के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के द्वारा आदेशित जो किया गया था कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको कम करने की मांग को लेकर जो है आज यहां पर जो है पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया गया है। और हमारी सरकार से मांग है, हमारा ये विरोध है कि सरकार जो है दिनों दिन जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है, उनको कम किया जाए, और गैस सिलेंडर जिससे कि एक आर्थिक बोझ महिलाओं पर बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, घर गृहस्थी सब लोगों के बहुत ही ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है, तो उसको अगर इसके दाम ये कम करेंगे तो निश्चित ही जो है ये प्रदेश एक खुशहाली की ओर जाएगा। परिवार सम्मेलन टिकनिखाल हमने यहाँ पे एक बैठक रखवाई है। उस बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे कोटद्वार में जितने भी टिकनिखाल वासी रहते हैं कि हम सब लोग मतलब इकट्ठा हो जाएं और अपनी अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, चाहे क्षेत्र से संबंधित हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई से संबंधित है, चाहे वो शादी से संबंधित है, बच्चों की नौकरी से संबंधित है, तो मतलब उसका समस्या का हम समाधान कर सकें। नैनीताल में लगभग कई सालों से स्मैक की तस्करी की खबरें आए दिन चर्चा में बनी रहती थी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने 55 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है। यहां बता दें कि पुलिस की तरफ से लगातार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो नैनीताल का ये पूरा मामला है जहाँ पर पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें 55 ग्राम के स्मैक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल लगातार नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा था और इसी के तहत पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। 55 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंगोली चौकी क्षेत्र में अभियान चलाते हुए मंगोली चौकी इंचार्ज द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम अल्ताफ सिद्दीकी है, जिसके पास 55.24 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आगे जो भी उसकी हमें चेन मिली है आगे की और पीछे की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली विकास खंड में नायार नदी में डूबने से पूर्व ग्राम प्रधान बड़खोलू की मौत हो गई। मृतक के भाई रविंद्र बिष्ट ने बताया कि शनिवार दोपहर में जितेंद्र सिंह घर से सतपुली गए थे और घर वापस नहीं लौटने पर उनकी खोजबीन की गई, जिसमें ग्रामीणों ने नायार नदी किनारे मृतक के कपड़े देखे, जिससे मृतक के तेज बहाव में बहने की आशंका जताई गई और राजस्व पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद राजस्व उप निरीक्षक BS भंडारी ने बताया कि परिजन सहित ग्रामीणों और प्रशासन की तरफ से शनिवार रात से ही खोजबीन की जा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों और SDRF की टीम की सहायता से मृतक जितेंद्र सिंह का शव अब बरामद कर लिया गया है। रुड़की लक्सर मार्ग पर मुटकाबाद गांव के पास एक 18 फीट लंबे विशालकाय अजगर के निकलने से वहां काम कर रहे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया, तब जाकर कहीं ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो तस्वीरें देख सकते हैं कितना बड़ा ये अजगर वहां पर जब निकला तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग जब मौके पर पहुंचा, काफी घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया और उसे जंगल में जाकर छोड़ दिया। फटक के पास में मुटकाबाद जो ग्राम है, इसके पास ग्रामीणों के द्वारा हमको सूचना दी गई और हम मौके पर पहुंचे, तत्काल इसका रेस्क्यू किया और अब हम इसको पथरी जंगल में सुरक्षित छोड़। चमोली में भगवान